क्वेश्चन नंबर 9 यहां से करना है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, क्या है, दोनों में कौन बड़ा है, तो बड़ा कर लो भैया, जो बड़ा है उसको बड़ा बना लो। बिल्डिंग छोटी है, चलो बिल्डिंग को छोटी बना लीजिए भैया। एक तरफ हमने ले लिया बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग है, ये है तुम्हारी टावर। टावर की हाइट दी है तुम्हें कितना है, 50 मीटर। इससे किसका क्या एंगल दिया है ये फटाफट बनाओ। आप देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द व्हाट, फुट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, ये कितनी डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसको 30 बना। फिर क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। अब इनको कुछ नाम दे दो, जो पिक्चर्स बने हैं ना इनको कुछ नाम दे दो। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कौन सा है पॉइंट, डी है। कुछ नाम दे दिया हमने, ए बी सी डी, इनको नाम दे दिया हमने, ठीक है डन। अब क्या निकालना है, ज़रा देखो, निकालना तुम्हें फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाई बिल्डिंग की जो हाइट है मान लेते हैं एच है, बिल्डिंग की जो हाइट है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, वो एच है। तो भैया बिल्डिंग की हाइट एच मान लो, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज वॉट, स्मॉल एच, यही स्मॉल एच ही अपने को निकालना है। अच्छा जरा बताओ, अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता बॉस, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या कुछ भी मान लो, ये बेस मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, आसान तरीके से करो। बेस हमने मान लिया, बी सी हमारा क्या है, एक्स है, हमें एच चाहिए बेसिकली, तो जहाँ एक्स की वैल्यू मिलेगी उसके एच के टर्म में हम लिख लेंगे। तो बड़ी वाली बिल्डिंग से अगर हम निकालें तो एक्स निकल जाएगा कि नहीं, अगर हम टावर से निकालें तो एक्स की वैल्यू निकल जाए। टावर की हाइट दी है 50 मीटर, बेस दिया है इसका एक्स है हमने मान लिया अभी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, क्योंकि एंगल यही बन रहा है। तो परपेंडिकुलर बेस में कौन रिलेशन देता है, टैन देता है, कॉस देता है, कॉस देता है, कौन देता है, टैन। तो टैन लगाओगे बड़ी बिल्डिंग के लिए, टावर के लिए अगर टैन का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो टैन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से टैन 60 डिग्री, टैन का 60 लोगे ना, क्योंकि इसमें एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो टैन 60 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब टावर की हाइट जो कितनी है, 50 है, बेस में क्या है, एक्स है। टैन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3, तो 50 बाई एक्स, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 50/√3, या वही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस रेशनलाइज कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, 50√3/3 आ जाएगा। फिलहाल अभी ये लिखते हैं, एक्स आ गया। अब यहाँ वैल्यू निकालेंगे, अब छोटा वाला अगर हम बिल्डिंग वाला ये ट्रायंगल ले लिए जो 30 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस, कौन सा रिलेशन यूज़ करोगे, टैन ही, तो यहाँ टैन कौन सा लोगे भैया, 30 डिग्री, तो यहाँ टैन 30 डिग्री लोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर हाइट बिल्डिंग की यही है एच, बेस क्या है एक्स, एक्स के प्लेस पे अपने को क्या लिखना है, टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, एच अपॉन कितना हो जाएगा, ये 50/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना पूरा इधर को आ जाएगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50/, नीचे √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इतना मीटर लिख दो, या इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 पॉइंट, भाई 3 1 जा 3, 3 6 जा 18.67 मीटर लिख दो। तो चाहो तो ये आंसर लिखो, ये या फिर कौन सा, ये लिख दो बस, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, यही आएगा आसान तरीके से इसको। आया गुप्ता जी, लिख, तुम्हें भी आ गया, बहुत बढ़िया।
नोट हो गया। मोबाइल ही है। चले दोस्त आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो। आ जाओ, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड वॉट, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, पोल है भैया, तो दो दो पोल बनाओ पहले, इसका कुछ कलर चेंज करो। दो पोल मान लेते हैं, हाइट इनकी क्या है, सेम है, किसी रोड के दोनों साइड ये खड़े हुए हैं, ये बीच में है तुम्हारी रोड। कितने मीटर वाइड है रोड तुम्हारी, कितने मीटर वाइड है, 80 मीटर बोल रहा है ना, है ना, ठीक है। हाइट दोनों पोल की सेम है बोल रहा है, मतलब अगर ये हाइट एच है तो ये भी हाइट कितनी है दोस्त, एच ही है, ठीक है। चलो कुछ इनको नाम दे दो, मान लिया ये ए बी है, ये तो तुम्हारा क्या सी डी है, चलो ये ले लिया हमने, बहुत बढ़िया, यही है ना। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, इनके बीच में कोई एक क्या है, पॉइंट है, मान लेते हैं कोई है पॉइंट कहीं पे, सपोज करो यहाँ है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बन रहा है, एक का 60 बन रहा है, एक का कितना बन रहा है भाई, कहीं से मान लो एक 60 है कितना है, तो चलो मान लो यहाँ को हमने मान लिया 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ को मिल रहा है क्या भैया 60 डिग्री। अब ये पॉइंट कहाँ पर है ये हमें नहीं पता है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं किसी पॉइंट पी पे है, वो किस पे है भैया, पी पॉइंट पे है, और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है ना मान लेते हैं कितनी है, एक्स है, कितनी है एक्स है, तो ये पी डी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी तुम्हारी, देखो पूरी 80 है, पी की जो बी से डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है, पी की जो बी से डिस्टेंस है अगर वो एक्स है तो बताओ, फिर एक मिनट, जस्ट ए मिनट, लिया हमने लिया बेटा, आएगा आएगा आएगा, तेरे करण अर्जुन आएंगे बेटा आएंगे, हाँ ओके ठीक है भैया। तो हाँ तुम्हारी भी मम्मी आ गई, हाँ बोलो, एट्टी माइनस एक्स हो जाएगा, वही तो क्वेश्चन है, ये पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना मान, एक्स पूरी डिस्टेंस कितनी थी 80 है, तो पी से डी के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ से एक्स मिलेगा, वो वाला लेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे, एच निकल जाएगा सीधा। तो पहले मैं 30 डिग्री लूँ तो ये वाला ट्रायंगल आएगा हमारा, ए बी पी आएगा ना, तो यहाँ लिखो आप, पहले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं 1, ये हमारा कौन सा है, सेकंड वाला है, तो ट्रायंगल 1 में जब हम है ना, 1 के लिए जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं टैन कौन सा भैया डिग्री, 30 डिग्री। हाइट पोल की कितनी है, एच, बताओ जरा बेस कितना है, हमने एक्स माना है यहाँ, टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, एच अपॉन क्या हो गया एक्स, हमें वैल्यू चाहिए क्या एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स का टू कितना आ जाएगा, √3 एच। अब ये एच आ गया, सेकेंड की बात करो जरा, अगर हम सेकेंड में हैं तो
वहां लेंगे टेन सिक्सटी डिग्री। टेन सिक्सटी का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर ऑफ बेस यहां भी होगा, बेस यहां क्या है 80 माइनस एक्स, बेस यहां पर क्या है 80 माइनस एक्स है, तो 80 माइनस एक्स लेंगे। अब यह टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री एच अपॉन 80 माइनस एक्स के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें एच चाहिए ना, तो एक्स की वैल्यू को भी हम एच के फॉर्म में लिखेंगे, ये रूट थ्री एच। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 80 रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है भैया एच, ये माइनस का थ्री एच उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 80 रूट थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4h, हमें h चाहिए तो 80 रूट थ्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 20, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 रूट थ्री मीटर। या तो क्या करो रूट थ्री की वैल्यू रख दो, डेसिमल में निकालना चाहते हो तो दिस मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा उतने ही मीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, समझ गए ना कैसे, या तो रूट में लिखोगे या डेसिमल में वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है भैया गुप्ता जी समझे, ठीक है बहुत बढ़िया, लाओ दो कोई, अरे जैसे भी हो जाए लाओ। अब ये देख लो कि किस तरह से आपने पढ़ रखा है ना, जरूरत है तो उसको और देखो, कर रहे ठीक, ठीक है कर दी आगे। हाँ एक्स भी चाहिए, अच्छा वो पॉइंट चाहिए, हाइट आ गई पोल की, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, उस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस निकालो, तो एक्स निकालना है तो एच आ गया, एच आ गया तो एक्स चाहिए, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए दोस्त, वैल्यू रखोगे कितना आएगा यहाँ से, तो अगर उसकी बात करना है तो ये रूट थ्री इंटू एच की वैल्यू कितनी आई थी 20 रूट थ्री, सो मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 23 सा रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री ये कितना आ जाएगा 60 मीटर, मतलब इस साइड के पोल से वो 60 मीटर के डिस्टेंस पे, उस साइड के पोल से 20 मीटर के डिस्टेंस पे, तो 80 माइनस 60 करोगे 20 आएगा ना, इस साइड वाले से 20, इस साइड वाले से 60, और हाइट इसकी ये आ गई 20 रूट थ्री, या फिर ये दोनों चीज़ें आ गई, डिस्टेंस भी आ गया और हाइट भी आ गया, इज दैट क्लियर, बोलो किसी कोई परेशानी हो तो, समस्या वाली कोई बात, बस धूमधाम से आ गया ये बहुत बढ़िया, क्या अस्थाना साहब हो गया बहुत खूब, लाइए हमें दीजिए देखें, जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरे नीले नीले पेले जो भी हैं, मतलब ठीक है, हाँ कोई भी होगा, मिश्रा जी होंगे, देखिए टाटा बाय बाय, ठीक लिख लिया दोस्त, आगे बढ़े। अच्छा मैं तुम्हें वहां देख रहा हूँ, तुम फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह इधर उधर घूम रहे, हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो पिक्चर भी बना है, इसमें क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है, आयुषी कर लोगी। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, वो बना हुआ है दिखा है इसमें, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, 20 मीटर दूर है वो भी बना हुआ है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ